गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं? जय श्री राम। बहुत अच्छे, बढ़िया ही होने चाहिए। ओके तिलक जी, धन्यवाद, बहुत अच्छे। अभी आगे बढ़ेंगे। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हमने किया था लास्ट क्लास में, और कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के एक सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट को हमने किया था। अंश बेटा खुश रहो, फाइन। गोविंद बेटा मैं बिल्कुल सही हूँ। तो हम आगे चलेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन के उस सेगमेंट को लेकर आगे जो हमने लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। एक ये कि रीअरेंजमेंट हमेशा इंट्रामोलिकुलर होता है, रीअरेंजमेंट इज इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है विद इन मॉलिक्यूल, विद इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है। दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये जो आप पढ़ रहे हैं रीअरेंजमेंट, ये विद इन मॉलिक्यूल होता है। प्रियांशु अभी होमवर्क कर रहे हैं, बस ये पॉइंट जो दो पॉइंट हैं ये आप अपने दिमाग में रखें। और मैंने बोला था ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट कन्फिग्रेशन कन्फिग्रेशन नेवर चेंजेस, कन्फिग्रेशन नेवर चेंजेस, ये दो पॉइंट थे। और फिर मैंने इस पॉइंट पर आपको कुछ होमवर्क दिया था। ठीक है, तो आइए उस होमवर्क को करते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वॉज क्वेश्चन नंबर 27। ये होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 27। यहां पर ये प्रश्न था आपका। ठीक है, तो बताइए कितनी वन टू शिफ्ट की आपने, यहां पर कितनी वन टू शिफ्ट की इस क्वेश्चन में बताएं, कितनी वन टू शिफ्ट होगी। यहां वन लिख लें और इस कार्बन पर टू लिख लें। कितनी वन टू शिफ्ट होगी और कौन सी चीज माइग्रेट करेगी। इन यांग कह रहे हैं वन, गरिमा, श्रेयस, सबका आंसर वन है, कोई टू बोल रहा है। टू इज नॉट द राइट आंसर, टू सही जवाब नहीं है। अब मुझे बताओ एक क्या माइग्रेट कराइए, एक क्या कराया माइग्रेट आपने, एक क्या माइग्रेट कराया, बोलो बोलो भाई, एक क्या माइग्रेट करा। वेरी गुड जितेंद्र, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चौधरी जी भी सही बोल रहे हैं, गुड। कई लोग का सही है बट सबका सही नहीं है, मेजॉरिटी आंसर सही नहीं है। मोस्टली लोग जो हैं वो जल्दीबाजी में आंसर करें। ध्यान से सुनिए सारे लोग, इस टू पर तीन चीजें हैं, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, तीसरा प्रोपाइल। और आप याद रखें यहां तीनों एल्काइल हैं, और जब तीनों एल्काइल ग्रुप होते हैं तो वो माइग्रेट करता है जो सबसे बड़ा वाला होता है। भावेश बिल्कुल सही, प्रोपाइल ग्रुप, ये भी एल्काइल, ये भी एल्काइल, ये भी एल्काइल, जो बिगेस्ट होगा, जो सबसे बड़ा वाला होगा, जो सबसे बड़ा वाला होगा वो टू से वन पर जाएगा, वो ग्रुप माइग्रेट होगा टू से वन पर। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी, आप अगर इसे माइग्रेट कराएं तो ये ऐसा बन जाएगा, आप देख सकते हैं, और यहां आ जाएगा प्लस ये। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। एक माइग्रेशन हुआ है और वो प्रोपाइल ग्रुप रीअरेंज हुआ है। ये हमने एल्काइल ग्रुप में पहले भी पढ़ा हुआ है, जो बड़ा वाला ग्रुप है वो माइग्रेट करता है। अक्षत बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो बड़ा वाला है वो बेहतर है, वो माइग्रेट करेगा, बिल्कुल सही है बेटा, देख लें। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लें, 27 में डाउट हो तो पूछें, 27 में डाउट हो तो पूछें। इस
स्टडी एक्सप्लेन प्लीज. ओके फिर से देख लें, ये वन है ये टू है, आपका प्लस चार्ज वन से टू पर रिअरेंज करेगा. तो समय देखें, टू पर तीन एल्काइल ग्रुप हैं, और जब कंपटीशन एल्काइल ग्रुप्स में होता है, तो बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करता है, और ये माइग्रेट करने से बन गया एक प्रोपाइल, माइग्रेट करने से ये बन गया, आप देख लें. वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे. 28 क्वेश्चन सेम है, 28 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम लाइक 27 इसमें और इसमें, बस एक ही फर्क है कि मैंने यहाँ काइरल सेंटर लगा दिया. चलो मुझे 28 के लिए आंसर कर दो. 28 में रीअरेंजमेंट होगा तो कितने होंगे? एक शिफ्ट होगा, टू मिथाइल ब्यूटाइल. अंश चौधरी राइट आंसर, गुड. प्रियांशु अग्रवाल आपका भी जवाब सही है, सही जवाब मिलने चालू हो चुके हैं. अंकित कुमार ने इशारे में बोला ब्यूटाइल, मैं समझ गया आपका इशारा. स्नेहा दास बिल्कुल सही है. अनंत महेश्वरी सही जवाब. एक तो माइग्रेशन होगा, किस चीज का माइग्रेशन होगा वो बताना पड़ेगा. रीअरेंजमेंट आपको कौन जाएगा? सेम प्रश्न सेम टाइप का. सौमित्र राज गलत जवाब नहीं दो, टू मिथाइल लिखा है आपने. ये देखिए वही काम करेंगे, ये वन है ये टू है, और टू पर फिर एल्काइल और ये आप जैसा बड़ा वाला एल्काइल. तो मेरे भाई बड़ा ग्रुप माइग्रेट करें, बिल्कुल सही बिल्कुल सही. और ये देखिए एक बार माइग्रेशन होगा और लार्ज ग्रुप का होगा, तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं. ये मैंने इसका आंसर लिखा है. ये इसका आंसर है, तो आप इसे घुमा फिराकर बनाइएगा तो फाइनली ऐसा ही दिखेगा. हाँ सेकेंडरी ब्यूटाइल आशीर्वाद नायक, ठीक है आप समझ जाएं. पहले ये देखें, ये जो चीज है ये रीअरेंज होकर ऐसे दिखेगी, बिल्कुल सही. 28 में किसी को डाउट है तो पूछ लेंगे, शर्माना नहीं है आंसर में. अगर कोई डाउट है तो पूछ लो. हाँ बेटा मौका अच्छा है, पूछ लेना, बोल दो आज. क्वेश्चन नंबर 29 कितने रीअरेंजमेंट, कितने वन टू शिफ्ट पॉसिबल हैं? अक्षत बोल रहे हैं डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है. अभी बताइए 29th क्वेश्चन कितने रीअरेंजमेंट कराना चाहेंगे? गरिमा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इंग्यांग का भी आंसर सही है, अमोल गर्ग वेरी गुड, बहुत अच्छे सबका जवाब सही आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है. देखें फिर से तरीका कॉपी करिए, मेथड कॉपी करिए. जैसे मैं बोल रहा हूं ये है वन ये है टू, लुक एट टू, ये मिथाइल ये टर्सरी ब्यूटाइल, क्लियर. तो ये टर्सरी ब्यूटाइल जो है ये माइग्रेट करेगा. अब टर्सरी ब्यूटाइल जो है वो माइग्रेट करेगा तो बनेगा क्या, वो मैं यहां पर बना दे रहा हूं. ये इधर लगाइए आपको यही मिलेगा, थोड़ा सा यहां नहीं आएगा प्लस यहां आएगा, ये देखिए 3 डिग्री पड़ जाएगा ना, तो ये आएगा प्लस आपका इस कार्बन पर. 29 में किसी को डाउट है तो बस तुरंत कटाक से क्वेश्चन नंबर लिखें, साथ में डाउट लिख दें, क्वेश्चन नंबर लिख दें साथ में डाउट लिख दें. 30th क्वेश्चन है, 30th में बताओ रीअरेंजमेंट होगा, अगर होगा तो कितने होंगे और क्या होगा. वेरी गुड भावेश, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है. अमोल गर्ग बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है अमोल. उज्जवल जैन गलत जवाब. इनयांग गलत जवाब है इस बार. स्नेहा दास बिल्कुल सही, मोस्टली लोगों का सही आ रहा है, 2-3 लोगों ने जल्दीबाजी में. लोकेंद्र यादव चेक योर आंसर, आपका जवाब जो है वो जल्दीबाजी में. हाँ देखिए ये नियांग ने पकड़ ली गलती क्या है. देखिए तरीका फॉलो करेंगे कभी गलत नहीं होगा. ये वन ये टू, इस बार टू पर एच भी है हाइड्राइड भी है, तो मेरे भाई इसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है. तो एक होगा यहाँ, तो टर्सरी ब्यूटाइल था और यहाँ एक एच जाएगा, और आपको जो मिलेगा वो ये मिलेगा, और ये मोस्ट स्टेबल कैटायन, ठीक है.
तो बहुत सिंपल सिंपल से ये प्रश्न थे, ये होमवर्क था। और आज हम आगे चलेंगे, एक प्रश्न और कर दीजिए, ये तो होमवर्क है, एक प्रश्न करिए, आगे की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जवाब दो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद, 31 और 32 भी हमने कर लिया था, 31, 32, 33, मुझे यहां तक याद आ रहा है 34 से मैं स्टार्ट करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 34। तो आप सब मुझे ये केटायन है, हाँ 34 ये केटायन है, आप मुझे बताएं ये कितने रीअरेंजमेंट करेगा। सारे लोग जल्दी से बताएं 34 में कितने रीअरेंजमेंट होंगे। ये प्रश्न आपको करने हैं, फिर से चालू हो गया ये। थर्टी फोर का आंसर कर दें, कुछ लोगों का आंसर वन है, कुछ लोगों का आंसर टू है, तो ध्यान से एक बार देखने की जरूरत है, क्योंकि सबका तो सही होगा नहीं। ध्यान से देखिए 34 आपको जो क्वेश्चंस करने हैं मैं मार्क कर दे रहा हूं, 34, 35, ओके सो 34 का आंसर, फाइनल आंसर सबमिट करिए। 34 का क्या है, वन शिफ्ट और टू शिफ्ट, वन शिफ्ट और टू शिफ्ट, अमोल गर कह रहे टू हाइड्राइड शिफ्ट, 34 का आंसर चाहिए मुझे। ओके टू हाइड्राइड, टू हाइड्राइड, टू हाइड्राइड, टू हाइड्राइड, राइट आंसर, राइट आंसर, सबका आंसर अब एक जैसा आ गया, वेरी गुड। जितने वन वाले थे सारे टू हो गए, जितने सिंगल थे सारे डबल हो गए, वेल डन, वेरी गुड। आप देख सकते हैं इस कार्बन को, इसे मैंने वन लिखा, इस कार्बन को मैंने टू लिखा, ठीक है, और इस टू पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, एक एच शिफ्ट, और इस एच शिफ्ट होने से आपको ये मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। और अगर हम यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएं, देखिए फायदा भी देखना है, ऐसा नहीं कि बस उठा उठा के घुमाए जा रहे हो। अल्फा हाइड्रोजन यहां दो और एक तीन था, यहां अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो, दो दो चार और एक पांच हो गया, ठीक है, फायदा हो रहा है, केटायन स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और अगर मैं इसे वापस बोलूं, ये वन है और ये वाला टू है, तो आप यहां से एक एच फिर से अगर माइग्रेट कराते हैं, रीअरेंज कराते हैं, तो आपको बदले में जो चीज मिलेगी वो ये केटायन मिलेगा। और अगर आप इसके अल्फा हाइड्रोजन गिनेंगे, तीन दो पांच और एक छह, डेफिनेटली आपको हर केस में मुनाफा हुआ है, बिल्कुल सही है। ओके आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की, आंसर फॉर 36 जवाब दो, 36 का आंसर करें, 36 का आंसर है वन, बिल्कुल सही जवाब है। 36 का मैं पूछ रहा हूं, 36 का एक आंसर है, बिल्कुल सही है।
भाई साहब ये देखिए, ये वन है वन और ये टू है वहां, तो बताइए टू से टू पर एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल, ये भी एल्काइल, और ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत बढ़िया है। जब कंपटीशन एल्काइल के बीच में होता है तो क्या होता है, बड़ा वाला ग्रुप माइग्रेट करता है। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जवाब है। कई लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, उन्होंने कहा है इथाइल को माइग्रेट करा दो, बड़े वाले ग्रुप को माइग्रेट करा दो और आपको बदले में जवाब ये मिलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है 36 का। राइट आंसर वन इथाइल शिफ्ट, वन इथाइल शिफ्ट, ठीक है। 38 में बताओ केटायन आजू जाएगा या बाजू जाएगा, केटायन आजू जाएगा या बाजू जाएगा, जवाब दो। ये आइदर लेफ्ट और राइट, 38 में प्लस रीअरेंज होकर लेफ्ट में जाएगा या राइट में, आजू या बाजू, जवाब चाहिए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, सबने बोला बाजू। ओके, ये आजू था और ये बाजू था। ओके, अच्छा कुछ आजू वाले भी हैं। ओके, बाजू किस चक्कर में जा रहा है बताओ, ये प्लस चार्ज बाजू किस चक्कर में जाएगा बताओ, ये बाजू में किस चक्कर में जाएगा, कुछ याद आया आपको? हर केटायन का एक सपना होता है, याद आया आपको? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, हर केटायन का एक सपना होता है, वेल डन। आप जानते हैं केटायन के सपने के बारे में, बहुत अच्छा। कभी ना कभी कोई ना कोई लोन पेयर इसका पड़ोसी बने, ऐसा ये सपना देखता है और इसके पीछे बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस, भाई साहब जबरदस्त स्टेबिलिटी, जबरदस्त स्टेबिलिटी। जिस स्टेबिलिटी का ये सपना देखता है वो इसे प्राप्त हो जाएगी। अरे स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, ये देखिए, ये बहुत जबरदस्त के टाइम, जबरदस्त के टाइम, मानते हैं? हाँ, ख्वाब भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ठीक है। सेम 40th का जवाब आजू या बाजू, ए 40th का जवाब आजू या बाजू, चलो आंसर करो 40 का, आंसर फॉर क्वेश्चन 40 बोलो 40, इसके लिए आजू जाएगा या बाजू जाएगा, क्वेश्चन 40 का आंसर करो, बोल दो, जवाब सही होना चाहिए, गलत जवाब नहीं चलेगा इधर। वेरी गुड, कमाल कर दिया आपने, सारे लोगों का बिल्कुल सही सही आंसर है, आपका जवाब लाजवाब है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखिए ये प्लस वन एंड टू, ये राइट में जा रहा है और राइट में जाकर वो क्या करेगा, बेंजीन के साथ रेजोनेंस डिस्पर्जन, पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जन, जिसकी वजह से वो बहुत स्टेबल महसूस करेगा। कमाल कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। अब एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है जो आप आगे चलकर गलती करेंगे, तो मैं अभी बता रहा हूं, आप देख लें 39 एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप इसे गलत करेंगे आगे चलकर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जरा, आप मुझे बताएं कि क्या 39 में रीअरेंजमेंट होगा, इसे समझे पहले, क्या 39 में रीअरेंजमेंट होगा, आंसर करें, क्या 39 में रीअरेंजमेंट होगा, आंसर करें, आंसर फॉर 39। ओके, यहाँ मिला जुला आंसर आ रहा है, कुछ कह रहे होगा, कुछ कह रहे यस सर, कुछ कह रहे नो सर। तो मेरे भाई ये याद रखें, ये याद रखें, ये प्लस चार्ज यहाँ नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। आप देखें डबली या ट्रिपली बॉन्डेड प्लस, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के प्लस रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते, आप समझे, क्योंकि आपको पता है रीअरेंजमेंट में आप बॉन्ड तोड़ कर ले जाते हैं, बॉन्ड तोड़ कर ले जाते हैं। ये प्लस चार्ज हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा है, किसमें पड़ा है, ये प्लस चार्ज हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा है, ठीक है, इसलिए इस बॉन्ड के साथ, इस बॉन्ड के साथ ये, हाँ ये इधर माइग्रेट करके नहीं जा सकता, इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि फेवरेबल नहीं है,
ठीक है आप बोल सकते हैं, बट यहां पर देखें ये केटायन है बहुत अनस्टेबल, ये केटायन है बहुत अनस्टेबल, लेकिन फिर भी इसमें रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता। ये आप रख ले दिमाग में बिल्कुल, ये प्लस डबल पर प्लस या ट्रिपल पर प्लस। देखिए अगर सिंगल पर प्लस है तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, फिर तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर ये मल्टीपल बॉन्ड पर प्लस चार्ज है तो ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा, आपको नहीं कराना है। अभी आएंगे साइक्लोप्रोपाइल सब पर बात करेंगे, अभी पहले यहाँ आ जाते हैं। तो ये आपने दिमाग में रख लें, और इसके लिए एक और चीज कर सकते हैं, हिंदी में लिख लें नहीं नहीं कभी नहीं, क्लियर, साफ साफ मना करें। देखिए संकोच ना करें इस टाइप के रीअरेंजमेंट को, बिल्कुल भी आप सपोर्ट ना करें। तो ये 39 एग्जांपल था, 40 कर लिया था, अब हम अगली चीज करने जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त चीज है, तो सारे लोग अब ध्यान से सुनेंगे, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है हर्ष, बिल्कुल सही है। हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए बहुत आसान नहीं होता नॉर्मल बॉन्डिंग के को छोड़कर किसी अब नॉर्मल टाइप की बॉन्डिंग करने का, लाइक यू आर सेइंग थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। लुक एट नेक्स्ट टॉपिक, सारे लोग ध्यान से देखें, बहुत मजेदार टॉपिक है और इंटरेस्टिंग चीज सुनिएगा। आप जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो अभी आपने जो पढ़ा है उससे अलग नहीं है, बस ध्यान से सुनना है। अगर आप 41 क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे तो आप उसके आगे सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अगर आप 41 क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे मतलब 60 सेकंड आप ध्यान से सुन लीजिए, उसके आगे सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी। आइए सारे लोग को क्वेश्चन नंबर 41, अब चैट वेट नहीं करना है, 41 को ध्यान से देखना है, सारे लोग 41 देखें। मैंने आपको एक प्रश्न दिया वो ये है, सारे लोग देखें, एक कार्बोकेटाइन आपकी आंखों के सामने है और इस कार्बोकेटाइन की इच्छा क्या होगी कि ये पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी पर पहुंच जाए, सही है या नहीं? और अगर ये पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी पर जाना चाहता है, सारे लोग ध्यान से देखें, तो मेरे भाई ये एक और ये दो, 1 और 2, ये दो पोजिशंस हैं, प्लस 1 से 2 पर जाना चाहेगा और बदले में 2 से कुछ 1 पर आएगा, एग्री करते हैं भाई? एक्सचेंज होगा यार, ऐसा थोड़ा कि प्लस का जहां मन है वो चलता चला जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। प्लस अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर गया तो बदले में कुछ यहां से यहां रीअरेंज हुआ होगा, तो ये 1 पर प्लस ये 2 पर जाना चाह रहा है, तो इस 2 को जरा ध्यान से देखें, इस 2 पर मेरे भाई एक तो एच है, एक देखें ये एच है, और बाकी ये जो दो बॉन्ड्स हैं ये देखिए ध्यान से देखो। अब आप कहोगे कि सर अभी तक आपने जो बताया है उसके हिसाब से मैं एक एच शिफ्ट करूंगा, ठीक है करते हैं आराम से करते हैं। अगर एक एच शिफ्ट करेंगे ध्यान से देखिए, तो मेरे भाई ये जो एक एच शिफ्ट है, मैं इसे नीचे लिख देता हूं, एक एच शिफ्ट है, इससे आपको ये केटायन मिलेगा, ये देखिए ये केटायन मिलेगा। चलिए अब सारे लोग ध्यान से देखिएगा, एक और केस है, एक और केस है कि अगर ये ब्लू वाला सेगमेंट जो है ये भी 2 पर है, देखो H था तो तुमने 2 से H उठाकर 1 पर लगा दिया, प्लस 2 पर आ गया, ये देखिए अब 2 पर तो यार ये बॉन्ड्स भी हैं, रिंग की बॉन्ड्स भी हैं, तो इनमें से कोई एक बॉन्ड अगर मैं 2 से उठाकर 1 पर लगा दूं तो ये भी तो एक 1-2 शिफ्ट है, ये भी एक रीअरेंजमेंट है। अब देखिए इसे बनाते कैसे हैं, आप पूरी रिंग बनाओ, उसे छोड़ दो जिसे यहां से देखो 2 से उठाओगे ना, ये वाली बॉन्ड उठाओगे 2 से 1 पर लगाओगे, बस वही मत बनाओ, इसे उठा लिया अपन ने, इधर से उठा लिया और इसे 1 पर ले आकर जोड़ दो, ये देखिए 1 पर ले आकर, क्यों 2 से उठकर 1 पर ही तो जुड़ना है और बदले में प्लस चार्ज 2 पर आना है, ये सारे लोग ध्यान से देखें, बदले में प्लस चार्ज 2 से 1 पर आ गया। तो मेरे भाई यहां पर आप देखें तो ये है रिंग एक्सपेंशन, रिंग 4 की रिंग 5 में एक्सपेंड हो रही है, रिंग एक्सपेंशन, ये देखिए। अब इन दो पाथ में कोई एक सही है और कोई एक गलत है, तो आइए हम ये समझते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए मैं इसके लिए सारे फैक्टर्स आपको बताऊंगा। इस केटायन के पहले तो मैं अल्फा हाइड्रोजन चेक कर रहा हूं, इस केटायन का अल्फा हाइड्रोजन है 1, ओके, इस केटायन का अल्फा हाइड्रोजन चेक कर रहा हूं, इसका अल्फा हाइड्रोजन कितना है 3, 2, 5, 2, 7, 7, इस केटायन का अल्फा हाइड्रोजन चेक कर रहा हूं 2 और 2, 4, ठीक। यहां से हम एक
मेंटालिटी बना सकते हैं कि सर इधर जाना चाहिए या उधर जाना चाहिए, लेकिन एक और चीज देखो, आप ये देखना चाह रहे हैं कि केटायन स्टेबल है या नहीं। तो केटायन स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, ये सबसे पहले एक चीज होती है, वो है कि केटायन जिस एटम पर है, केटायन जिस एटम पर है, अरे रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन ये सब तो बात की बात है, वो जिस एटम पर है कहीं वो एटम जो है वो उस पर मौजूदगी की वजह से प्लस अनस्टेबल तो नहीं। आइए मैं बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। टू वाले कार्बन को जरा ध्यान से देखें, टू वाले कार्बन को सारे लोग ध्यान से देखें, टू वाला कार्बन आप सबको ध्यान से देखें, sp3 दिख रहा होगा, ये क्या है sp3 दिख रहा है, यानी कि इस कार्बन का बॉन्ड एंगल, यहां का बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.28 होना चाहिए, ओके। और है कितना, चार की रिंग को मैं प्लेनर मान रहा हूं तो है 90 डिग्री, है कितना 90 डिग्री। चलिए आप इसे लमसम में निकाल सकते हैं तो यह आएगा 19 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। यहां आते हैं, लुक एट दिस, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp2, और अगर मैं इसका एंगल स्ट्रेन निकालू तो होना चाहिए 120, बट है कितना 90, तो ये आ गया 30 डिग्री भाई। और यहां आ जाओ, ये भी कितना है sp2, इसका एंगल स्ट्रेन निकालूं तो हाइब्रिडाइजेशन से 120 होना चाहिए, sp2 120 बोलता है, बट पांच की रिंग का इंटरनल एंगल, मैं पांच की रिंग को प्लेनर ही मान रहा हूं लमसम में, तो ये एंगल होता है 108 डिग्री, तो मेरे भाई ये हो गया 12 डिग्री। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये एटम प्लस तो लेकर बैठा है ज्यादा अल्फा एच के साथ, लेकिन वो एटम खुद बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन पर है, वो एटम खुद बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन पर है। यहां माना अल्फा एच थोड़े कम है, लेकिन यहां पर देखो एंगल स्ट्रेन 19 से 12, समझ में आया या नहीं। और यहां तो देख लो भाई साहब, आप समझ गए हैं, यहां सबसे ज्यादा रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन हुआ है, क्या आप समझ रहे हैं, रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन यहां हुआ है, इसलिए ये वाला रीअरेंजमेंट बिल्कुल सही होगा और ये वाला गलत होगा। यानी कि अब आप यहां एक चीज बोल सकते हैं कि सर आप क्या ये कहना चाहते हैं कि रिंग एक्सपेंशन के दौरान हम अल्फा एच पर फोकस नहीं करते, हम एंगल स्ट्रेन, रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन पर बात करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही संजय, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। हमने 11th में जीओसी में छोटी सी चीज पढ़ी थी, बेयर स्ट्रेन एंगल थ्योरी, ठीक है, वहां से हल्का सा ये चार और पांच की रिंग के एंगल स्ट्रेन की बात हम कर रहे हैं। ओके, रिंग के केस में शशि सिंह कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि रिंग एक्सपेंशन के केस में सबसे पहले आप देखेंगे रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। आप याद रखें, रिंग एक्सपेंशन के दौरान अल्फा एच बढ़ सकते हैं, ओके, घट सकते हैं, ओके, उतने रह सकते हैं, ओके, सब कुछ सही है। अगर रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन हो रहा है तो रिंग एक्सपेंशन हो जाता है, रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन है तो रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। ये छोटी सी चीज है, कुछ नया नहीं है, तो मेरे भाई इस चीज को अपन यहां एक तो हेडिंग डाल ले कि ये रिंग एक्सपेंशन, क्लियर। और अगर हम यहां पर नोट में लिखें तो रिंग एक्सपेंशन हो या कुछ भी हो, है तो ये भी 1-2 shift, है तो ये भी 1-2 shift। सेकेंड पॉइंट, रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस ड्यू टू रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन, ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ नमिता, बिल्कुल फर्स्ट स्ट्रक्चर आप नहीं बनाएंगे, आप सेकंड वाला बनाएंगे, आप सेकंड वाला। दिवाकर जी कह रहे हैं हम कैसे देखेंगे एंगल स्ट्रेन, दिवाकर ने पूछा है एंगल स्ट्रेन कैसे देखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी और एंगल स्ट्रेन उल्टा होता है, स्टेबिलिटी और एंगल स्ट्रेन जो है वो रिवर्स होता है, और साइक्लोएल्केन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आपको पता होगा, 6 की रिंग 5 से ज़्यादा स्टेबल होती है, 5 की रिंग 4 से ज़्यादा स्टेबल होती है, और 4 की रिंग 3 से ज़्यादा स्टेबल होती है, ये सब पढ़ा हुआ है अपन ने।
वेरिएशन प्लीज डोंट क्रिएट वेरिएशन, हम सारे वेरिएशन पर आ जाएंगे, हम सारे वेरिएशन पर आ जाएंगे। फर्स्ट ये एक बार सीख ले, मैं आपको कोई वेरिएशन बचेगा ही नहीं, मैं सारे वेरिएशन कराऊंगा, लेकिन शुरुआत में वेरिएशन पर मत जाए, पहले ये सीख लें। मुझे श्योर कर दें कि ये सर आ गया है, अभी हम आगे करें और अच्छे क्वेश्चन, तो उस पर मैं आ जाऊंगा, पहले ये सीख लें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और अब हम बढ़ गए आगे, हम करेंगे कुछ प्रश्न, ठीक है। 41 मैं मान रहा हूं कि आप सबको आ गया। अच्छा, आप चाहें तो आप इनके ट्रांजिशन स्टेट बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कैसे, चलिए मैं बताता हूं, इसके ट्रांजिशन स्टेट बना लें जो मैंने पहले भी बनाया था जब मैंने रिअरेंजमेंट आपको सिखाया था। देखिए यहां से एच निकल रहा होगा और यहां एच जा रहा होगा, ये मैंने एक बनाया था ट्रांजिशन स्टेट शुरुआत में। और रिंग एक्सपेंशन का क्या होगा, ये वाली बॉन्ड टूट रही होगी, देखें यहां से उठाया था आपने, ये बॉन्ड टूट रही होगी और ये बॉन्ड इधर जाकर जुड़ रही होगी, तो ये प्लस ये इधर आ रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाले में स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट है। ये स्पाइरो जानते हैं, दो रिंग में एक एटम कॉमन, ये कैसा है, स्पाइरोटियस। कैसा है दोस्त, स्पाइरोटियस। और ये कैसा है, बायसाइक्लिक, बायसाइक्लिक टियस। क्या देखें, दो रिंग बन रही है और उसमें दो एटम कॉमन है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। संजय, इफ वी कंसिडर ऑल द साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर, बेटा देखो हम कई जगह पर ये अप्रोक्सीमेशन लेकर बढ़ चलते तो हैं, बट सच्चाई ये है कि साइक्लोएल्केन्स एक्चुअली प्लेनर नहीं होते। और आपने एक चैप्टर पढ़ा हो अगर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तो आपको सच्चाई पता है कि चेयर बोट दुनिया भर की चीजें हमने साइक्लोएल्केन की बनाई थी, क्योंकि वो सच है, वो सत्य है, एल्केन्स प्लेनर, साइक्लोएल्केन्स प्लेनर नहीं होते। सो ये 41 में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। 41 वॉज मोर इन्फॉर्मेटिव, और इसकी चीजें जो समझ में आई वो आप दिमाग में, इसमें कोई इश्यू है तो पूछ लें। अब आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिमाग में रखनी है, ये नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन उतना नहीं है, उतना क्यों नहीं है, मेरे ख्याल से बढ़ गया यार, यहाँ देखो 19 डिग्री से 30 डिग्री बढ़ गया, अपन बढ़ाएंगे थोड़े, स्टेबिलिटी के नाम पर एंगल स्ट्रेन नहीं बढ़ा सकते। हाँ पटेल जी पूछ रहे हैं रिंग की बॉन्ड तोड़ना आसान होगा, पहली बात आप सारे लोग ये समझो कि ये रिअरेंजमेंट हम नहीं करते, ये रिअरेंजमेंट केटायन खुद ब खुद करता है, टू अटेन हायर स्टेबिलिटी, टू अटेन लेसर एंगल स्ट्रेन, ये केटायन का खुद का प्रोसेस है। हम तो केवल ये समझ रहे हैं कि ये जो भी होता है ये कैसे होता होगा, समझे, मेरे ये बॉन्ड घुमाने से, मेरे एच के घुमाने से एच वहां नहीं जाता, ये केटायन खुद ब खुद रिअरेंज हो जाता है, इस चीज को समझे पहले आप, ठीक है। अभी बेंट रूल का यहां कोई यूज नहीं है आरती जी, उस पर हम आएंगे फिर बात करेंगे। ओके, चलिए बहुत अच्छे, कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं जो आपको फोर्टी टू करना है, सबको स्टार्ट हो जाए 42।
ओके सो फॉर 42 कितनी शिफ्ट है, टोटल शिफ्ट आप बताएं, टोटल शिफ्ट दो आ रही है। आंसर करो भाई ध्यान से, चेक योर आंसर। तीन शिफ्ट भावेश बोल रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट एच, सेकंड ये, थर्ड एच। ओके तीन शिफ्ट में मुझे दो तीन आंसर मिले हैं। उदयन थ्री शिफ्ट, महेश्वरी जी थ्री शिफ्ट, हर्ष थ्री शिफ्ट, राइट आंसर है। इनियांग आपका भी आंसर सही है, थ्री शिफ्ट इज द राइट आंसर। प्रगुन पांडे वेल डन, थ्री शिफ्ट वाले खुश हो जाएं। स्नेहाशीष घोष आइए, देखिए तरीका फिक्स है दोस्त, तरीका फिक्स है, तरीके में चेंज नहीं करना है, ठीक है। जहां प्लस है उधर वन टिकाओ, बाजू वाले पर टू टिकाओ। अब आपका मन ये देखे, आप मन से ये सोचें कि क्या प्लस वन से जब टू पर आएगा तो क्या बेहतर होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और जवाब अगर यस मिलता है तो आप आगे बढ़ जाएं। ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गई, और मेरे भाई ये एक एच शिफ्ट कराते ही आप यहां पर आ गए। ये देख लीजिए, एक एच शिफ्ट होते ही आप यहां पर आ गए। आपको बेनिफिट हमेशा याद रखना चाहिए, इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं दोस्त, इसके अल्फा हाइड्रोजन थे दो, इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं चेक कर लो, इसके अल्फा हाइड्रोजन है चार, तीन और एक चार, सही है। फिर आप नहे कि मानते नहीं, आपने इस प्लस को वन टिका दिया क्योंकि आपका मन कह रहा है कि अगर इस टू पर प्लस आ जाएगा तो बहुत स्टेबल हो जाएगा। और अब देखिए इस टू से आप एच तो भेजेंगे नहीं, आपका मूड है रिंग एक्सपेंशन करने का तो करा दीजिए भाई, किसने मना किया है। और ये हो गया रिंग एक्सपेंशन, और जब आपने यहां रिंग एक्सपेंशन कराया तो अब आपके पास छह की रिंग आ गई, और छह की रिंग जब आई जनाब तो आप देखें ये मिथाइल और ये प्लस आया। अक्सर मैंने देखा है कि कई बच्चे होते हैं जो ये तो समझ लेते हैं कि ये यहां जाएगा, लेकिन वो नए वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि कुछ नया नहीं करना है। देखिए ये वाली बॉन्ड टू से हटकर वन से जुड़ जाएगी, तो सब कुछ वैसा ही बना लो, सब कुछ वैसा ही बना लो, बस जिसे उठाना है उसे उठा लो। देखो इसे उठाना था या हमने उठा लिया, और नई बॉन्ड बनानी है तो ये नई बॉन्ड बना दी और प्लस वन की जगह टू पर आ गया। ये देख लो प्लस वन की जगह टू पर आ गया। अब इसी डिजाइन को थोड़ा तमीज से लिख दो तो ये ऐसा दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा भाई ना, आसान है, देखिए कितना सिंपल तरीके से कर लिया। फिर से सुन लो, जिस बॉन्ड को उठाना है उसे मत बनाओ, और जो नया कनेक्शन करना है उधर कर दो, आंसर आ गया, बन जाएगा। अच्छा अभी क्वेश्चन में चलते हैं, चेक अगेन, ये प्लस चार्ज ये वन है, ये वाला कार्बन टू है, क्या आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। ये प्लस जो है अगर ये ऊपर जाता है तो और ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी इसे, तो ये एच इधर, तो थियोरेटिकली आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसे अगर मैं हटा दूंगी तो वही वाली चीज थी। तो ये फाइनल कैटायन मिलेगा, ये फाइनल कैटायन मिलेगा एक एच शिफ्ट के साथ। किसी को डाउट है क्या इसमें, इसमें डाउट पूछो जल्दी से, अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो, किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो। आपके जवाब के इंतजार में, कोई भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 42 में तो पूछ लें। याद रखें पहला प्रश्न है, गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं, सीख लें इसे, ठीक है। आदित्य कुमार कह रहे हैं व्हाई यू से थ्योरेटिकली, मोस्ट ऑफ द केसेस में आदित्य बेटा जब हम रिएक्शन कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि एक या मैक्सिमम दो शिफ्ट होती हैं, ठीक है, तो यहां पर मैंने ऐसा थ्योरेटिकल वर्ड यूज कर दिया। आरती जी कह रही हैं एक्सपेंशन एक बार और, मैं आरती जी आपको बोलूंगा एक बार आप अटैम्प्ट करके देखें, अभी नहीं हो सकता एक्सपेंशन, एक बार आप पेन जरूर चलाइए आपको खुद एहसास हो जाएगा। अंश कह रहे हैं प्लस अगेन वहां जाने पे स्ट्रेन, बेटा ये तो छह की रिंग है, छह की रिंग तो पांच से ज्यादा स्टेबल होती है, छह की रिंग में एंगल स्ट्रेन पांच से कम होगा, वो डेफिनेटली कम होगा, आप तो वो तो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। उत्कर्ष सोनी कह रहे हैं क्या सर ऑलवेज रिंग एक्सपेंशन होगा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है,
चार की रिंग पांच में आएगी, पांच की रिंग छह में आएगी। अब प्रश्न ये है, क्या छह की रिंग सात में जाएगी, क्या सात की रिंग आठ में जाएगी? ये थोड़ा सा इंतजार कर लो। बाय रूल अगर हम बोलें तो छह की रिंग को सात में नहीं जाना चाहिए, सात की रिंग को आठ में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगेन सात और आठ की रिंग छह की रिंग से अनस्टेबल होती है, क्योंकि उसमें बॉन्ड ज्यादा आती है, एंगल स्ट्रेन फिर से आने लगता है। ओके, सो बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। आप मुझे 46 बता दो, 46 रिंग एक्सपेंशन होगा या नहीं? आंसर फॉर 46, रिंग एक्सपेंशन होगा या नहीं? रिंग एक्सपेंशन होगा या नहीं? अरे बहुत क्वेश्चन है जो है, आप पहले यहां एंजॉय करें फिर कर लेंगे अपन, यहां कर लें फिर कर लेंगे अपन। गुड, सबका आंसर सही है, यहां पर रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। अब रीजन बता दीजिए, रीजन बता दीजिए, रीजन, वजह, लॉजिक क्यों नहीं होगा? नहीं तो बोल दिया आपने, बोलो बोलो। हाँ, कई लोग बोल रहे हैं बीबी, बिल्कुल सही, बीबी का मतलब बैक बॉन्डिंग, वेल डन। सपना बिल्कुल सही, ड्रीम ख्वाब बिल्कुल सही। अभी उसका सपना पूरा हो चुका है, वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा, सपने को छोड़कर नहीं जाएगा। समझ में आया या नहीं? बिल्कुल सही जवाब, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, जवाब आपका लाजवाब है, बहुत अच्छे, वेल डन। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखें, 49 को देखें। 49 इज सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ध्यान से देखें सारे लोग, सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन 49। 49 में क्या है? आपने 49 को देखते ही आपके दिमाग में आया होगा सिग्मा रेजोनेंस, कुछ लोग डांस करने लगे होंगे, डांसिंग रेजोनेंस याद आया आपको। सो अगेन, डांसिंग रेजोनेंस इज नॉट ए ऑथेंटिक टर्म, तो बेटर है कि आप सिग्मा रेजोनेंस यूज करें। ये देखें, ये प्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, और आपको याद है ये बहुत स्टेबल होता है, याद है आपको, ये बहुत स्टेबल होता है। और इसकी स्टेबिलिटी के पीछे एक अलग ही वजह थी, इसका जो पी ऑर्बिटल था वो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन, वीक बॉन्ड के लूज इलेक्ट्रॉन्स, वीक बॉन्ड के लूज इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा था। ये हमने स्पेशली एक अलग केस पढ़ा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमने पढ़ा था सिग्मा रेजोनेंस के नाम से। अब आज देखिए क्या समस्या आएगी सामने, आज समस्या ये आएगी कि भाई साहब ये देखिए, अगर मैं ये वन लिखूं, ये टू लिखूं, अगर मैं ये वन लिखूं, ये टू लिखूं, तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन एक तरफ तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जबरदस्त स्टेबिलिटी रखता है, दूसरी तरफ आप यहां जाएं, आप यहां देखें, कहीं ना कहीं एंगल स्ट्रेन जो है वो रिलेटिवली कम हुआ है, हाँ या ना? फिर भी दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहां पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। ये स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी की वजह अलग है, इसकी स्टेबिलिटी की वजह है इसका पी इस वीक बॉन्ड के लूज इलेक्ट्रॉन से शेयर हो रहा है, ऐसा यहां कुछ नहीं है, यहां एंगल स्ट्रेन में रिलीफ की बात कर सकते हैं। इसलिए इस चीज को आप दिमाग में रख सकते हैं, एक बार आया है आईटी में, आज तक एक बार आया है ये, तो दोबारा आने की प्रॉबिलिटी भी है, इसलिए हल्का सा दिमाग में रखें। ये इंफॉर्मेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये अभी आपने पहला केटायन पढ़ा है जिसमें मैंने दोनों के बीच में रिवर्सिबल साइन लगाया है, दोनों के बीच में क्या लगाया है, रिवर्सिबल साइन लगाया है, और इसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज जो है सीपीएम का वो स्लाइटली ज्यादा होता है किससे, साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटायन, साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन से स्लाइटली ज्यादा होता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, और इस पर बहुत ज्यादा प्रश्न यूजली बनते नहीं है, आज तक एक ही बार आया है, हालांकि हम इस पर कुछ प्रश्न जरूर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुन लें। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये आपको पता है क्या होता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है आपका स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी की वजह हमने जीओसी में पढ़ी हुई है, और ये है रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन, रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन है। तो भाई अब क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में हमें पता है कि इसका इसका परसेंटेज रिवर्सिबल सिस्टम में इसका परसेंटेज इससे थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। ओके, सो केटायन अरेंजमेंट के बाद क्या, ओके क्वेश्चन कहां से देते हैं, बाद में बात करेंगे आरती जी, पहले आप क्वेश्चन करें।
क्वेश्चन सीख लें फिर सब बताऊंगा मैं, ठीक है। तो भाई साहब ये हो गया, तो 50th में आप हल्का सा हाथ आजमा कर आइएगा, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए, जबरदस्त प्रश्न मिलेगा आपको। 51 क्वेश्चन नंबर 51, हम हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। आप बताएं टोटल नंबर ऑफ 1-2 शिफ्ट इन फॉलोइंग रीअरेंजमेंट, आपको टोटल नंबर ऑफ 1-2 शिफ्ट बताने हैं। सारे लोग ध्यान से देखेंगे, ये एक प्लस चार्ज है, ये एक तीन की रिंग है, ये एक तीन की रिंग है, ये तीन की रिंग है, ये भी तीन की रिंग है, और ये भी तीन की रिंग, और ये आया यहां पर। ओके, सो आप मुझे आंसर करें कि इस केटायन से इस केटायन आने तक मुझे ये बता दें कि कितने रीअरेंजमेंट हुए, कितनी 1-2 शिफ्ट हुई। आपका क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखिए दो केटायन दिए, ये पहला है, ये रीअरेंज होकर यहाँ आ गया है, रीअरेंजमेंट करके ये यहां आ गया है। आप मुझे बता दें इस रीअरेंजमेंट के दौरान कितनी बार 1-2 शिफ्ट हुआ है। आंसर करें कितनी बार 1-2 शिफ्ट हुआ है। सिक्सटी सेकेंड्स हैं आपके पास। ओके, आंसर आ रहे हैं। दो आंसर मुझे मिल रहे हैं, 6 और 7 दो आंसर मिल रहे हैं, तो चेक कर ले, आप बहुत क्लोज हैं। देखिए या तो 6 सही होगा या 7 सही होगा, तो आप 6 अगर कर रहे हैं तो आप बहुत क्लोज हैं, अगर 7 आंसर है तो, और 7 अगर 6 आंसर है तो आपने एक जल्दीबाजी में गलत किया है। डोंट से 6 और 7, ये तो बहुत क्लियर होगा, एक ही आंसर होगा। 7 थोड़े से डोमिनेट कर रहे हैं, 6 थोड़े से कम है, 7 थोड़े से ज्यादा है। गगन भाई कह रहे हैं टोटली श्योर, गगन अपने आंसर को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। चलिए चलिए अपने आंसर के आगे ये भी लिखिए, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो कॉन्फिडेंट लिखिए, इफ यू आर कॉन्फिडेंट। गगन ने बोल दिया, फाइनल आंसर इसी को मानने का है। चलो ओल्ड इज गोल्ड भी आ गए हैं मैदान में, उन्होंने बोल दिया 7 इज द राइट आंसर। 5 भी है मिस्टर रियाज, एक बार आंसर चेक कर लें। 5 आपने ढूंढ लिए, बहुत अच्छी बात, थोड़ा सा ध्यान से देखें। कॉन्फिडेंट में हर्ष शर्मा जी हैं, पुष्पेंद्र हैं, आशुतोष भाई है, हर्ष हैं। ओके, 7 में ज्यादा लोग आ गए, कॉन्फिडेंस आते ही 7 पर आ गए सारे लोग। पक्का भी है, ठीक है, 100% श्योर है, कांस भारद्वाज। ओके। चलिए, आप में से पहले वो कोई बताए जो कह रहा है सर मैंने इस क्वेश्चन को, मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ मुझे। अगर आप हैं ऐसे हैं जिन्होंने प्रयास किया और क्वेश्चन नहीं हुआ, वो भी एक बार कमेंट करें, सर मेरे से नहीं हुआ, मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे करना है। अगर किसी से नहीं हुआ तो भी पूछिए कि सर मेरे से तो नहीं हुआ। अगर आप क्वेश्चन नहीं हिला पाए हैं और क्वेश्चन ने आपको हिला दिया तो भी आप इसमें लिख सकते हैं कि सर मेरे को बताओ कैसे करना है। मुकेश कुमार ने बोला है इनसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ है। चलिए मैं आपको एक वही तरीका, वही सिंपल जो पहले से किया वही यहां करेंगे,
ये देखिए ये वन है और ये क्या है दोस्त, टू है, बहुत आसान। तो क्या ये प्लस वन से टू पर जाएगा तो स्टेबिलिटी होगी? अब देख लें, अब देख लें, अब सारे लोग देख लें, उदयन, मुकेश, सारे लोग देख लें, अमित जी आप देख लें इधर, बहुत आसान है ये। ये प्लस वन पर है, ये टू पर आएगा तो आपका दिमाग क्या कह रहा, मन क्या कह रहा है, पहले से ज्यादा स्टेबल होगा। अगर आंसर यस है तो एच को इधर टिका दो, अगर एच इधर टिका दिया आपने तो सच में आपको जवाब ये के टाइन मिला है। आप देख लें, मिला है। अब उसके बाद सेम से एक शिफ्ट हो गई, एक शिफ्ट हो गई, फिर इसे वन करें, इसे टू करें। अब आप यहां देखिए, ये चार की रिंग है, ये चार की रिंग है, यानी कि तीन की रिंग एक्सपेंड हुई है, तीन की रिंग एक्सपेंड हुई है। ये देखिए ये एक्सपेंड, और जनाब जब आपने ये किया, जब आपने ये किया तो आपको क्या मिला, ये देखिए ये प्लस यहां आ गया, प्लस यहां आ गया, चेक कर लो, चेक कर लो, ये देखिए ये रिंग एक्सपेंड होगी, तो ये रिंग, ये वाली बॉन्ड टू से वन पर जुड़ जाएगी और प्लस वन से टू पर चला जाएगा। ये देखिए, और अब आप फिर से देखिए, ये वन ये टू, ये वन ये टू, अब ये वाली बॉन्ड फिर टू से वन पर जाएगी और ये प्लस फिर टू पर आ जाएगा, फिर ये एक्सपेंड हो जाएगा, फिर प्लस यहां, फिर ये एक्सपेंड हो जाएगा, फिर प्लस यहां, फिर ये एक्सपेंड हो जाएगा, फिर प्लस यहां, और जब प्लस यहां आएगा तो ये चार की रिंग वन टू से फिर एक्सपेंड हो जाएगी। देखिए वो पांच की रिंग, देखिए वो पांच की रिंग है ये ऊपर वाली, ये देखो है ना भाई, तो ये यहां से ये बॉन्ड उठेगी, ये यहां आएगा और प्लस आपका यहां पर आ जाएगा, तो यूं ही चलते चलते आपको मिल जाएगा ये। तो बहुत क्लियर है, एक से दो तीन चार पांच छह और सात, सेवन, वन टू शिफ्ट, सो सेवन वाले वेल डन, बिल्कुल सही जवाब, सात वाले वेल डन, बिल्कुल सही जवाब है। देख लें, एक शिफ्ट में ऐसे काउंट कर देता हूं, एक शिफ्ट ये, दूसरी शिफ्ट जिससे ये रिंग चार की हुई, तीसरी शिफ्ट ये वाली चार की हुई, चौथी शिफ्ट ये वाली चार की हुई, पांचवी शिफ्ट ये वाली चार की हुई, छठी शिफ्ट ये वाली चार की हुई, और यहां से ये जो चार की बन चुकी थी वो पांच की हुई, तो प्लस यहां आ गया, और ये सातवीं शिफ्ट, ये सातवीं शिफ्ट, भावेश प्लस, नहीं 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 आप समझे, थियोरेटिकल क्वेश्चन है भावेश, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो बेटा, आपको ये दिया गया और आपको ये दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कितनी वन टू शिफ्ट हुई है, देन आंसर क्लियर, ये नहीं पूछा जा रहा है कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। अच्छा आप अगर उस चीज को फिर से देखें, थोड़ी देर पहले मैंने 49 क्वेश्चन पे बोला था कि इसे आप दिमाग में रखें, मैंने वहां बोला था कि तीन की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, और इसका परसेंटेज स्लाइटली चार से ज्यादा होता है, लेकिन मैंने ये बोला कि दोनों होते हैं, रिवर्सिबल सिस्टम होता है, दोनों होते हैं, समझ में आया। स्नेहा सी घोष पूछ रहे हैं क्या और शिफ्ट हो सकती हैं, हो सकती हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमसे कुछ और ही पूछा गया है, बिल्कुल सही, थ्योरेटिकल शिफ्ट तो और हो सकती हैं, ये भी पांच का हो जाए, फिर ये भी हो जाए, बट हमारे क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया है यहां से यहां जाने में कितनी शिफ्ट होंगी। ओके, सो नाउ अगेन, एंड ये लास्ट प्रश्न होगा आज का और ये चॉकलेट क्वेश्चन होगा। अगर आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आंसर देंगे, अगर आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आंसर देंगे तो आप कुछ, आपको सरप्राइज मिलेगा। चलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आंसर देना है, इसलिए आंसर सोच समझ के दीजिएगा। त्रियंबक पूछ रहे हैं फर्स्ट स्टेप में रिंग एक्सपेंशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वन टू आपने जो मेंशन किया है उसमें टू पर कोई रिंग का पार्ट है ही नहीं, अगर टू पर कोई रिंग का पार्ट नहीं है तो आप टू से उठाकर वही डालेंगे जो एच है या वॉट एवर, और छह की रिंग हम साथ में नहीं ले जाएंगे, छह की रिंग हम साथ में नहीं ले जाएंगे। 52 में मैं आपको एक कार्बोकेटायन दे रहा हूं, मैं आपको एक कार्बोकेटायन दे रहा हूं, आप मुझे ये बता दें, ये देखिए आप मुझे ये बताएं, ये केटायन, ठीक है, आपको बोलना है ध्यान से सोच समझ के, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए,
आप बताएं कि ये रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट ट्रू है या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। सोच समझ कर देना जवाब। चलिए मुझे बता दें कि क्या ये रीअरेंजमेंट ट्रू है या फॉल्स। पहला आंसर आपका फाइनल मान लिया जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका फाइनल मान लिया जाएगा, और आपका जो भी आंसर होगा आप उसे सपोर्ट करने के लिए जो भी फैक्ट्स या जो भी एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपसे पूछूंगा। भावे इस गुरनानी फॉल्स ड्यू टू बेंट रूल। मैक्सिमम आंसर है फॉल्स। आदित्य अंकित कुमार ट्रू बोल रहे हैं, देवेश पाल ट्रू बोल रहे हैं, मैं वो बोल रहा हूं जो आंसर सबसे कम है। ध्रुव गुप्ता यस बोल रहे हैं, ऋतिक गंगवार ट्रू बोल रहे हैं, तिलक फिरोदिया ये ट्रू बोल रहे हैं, और कौन है ये कौन गया, अर्सलीन इन्होंने भी ट्रू बोला है, अंकित कुमार ने भी ट्रू बोला है, ईश्वर कुमार फिर से ट्रू। अटैम्प्ट कर लें आप पूरा। महेश्वरी जी ने भी बोला है फॉल्स, हार्दिक शर्मा फॉल्स, हर्ष बेटा, हर्ष पुनिया आंसर करें, आपका आंसर भी देख लूं मैं। पुष्पेंद्र फॉल्स होगा, अच्छा बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर ले। भावेश आंसर बदल लिया आपने, आंसर बदल लिया, इसीलिए कहते हैं प्रश्न को बिना अटैम्प्ट करे मत आंसर करो। प्रश्न ऐसा डिजाइन किया जाएगा, क्वेश्चन ऐसा डिजाइन किया जाता है कि उसको देखते ही आपका दिमाग में एक आंसर आएगा। जो परसेप्ट करते हैं आंसर आप, वो आंसर कई बार ऐसा होता है कि धोखा होता है आंखों का, और उस धोखे में आप फंस जाते हैं। कई लोग इमोशनल हो रहे होंगे कि सर धोखे की बात मत करो, अरे मैं क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड बात कर रहा हूं। ओके, बहुत सारे लोग धीरे धीरे ट्रू की तरफ आ रहे हैं। ओके, स्नेहा दास ट्रू, गुड। अब सबका ट्रू हो गया यार, ये बताओ आपने पेन चलाया है तभी दिखेगा आपको, पेन चलाया है तभी दिखेगा आपको। ओके, स्टिल फॉल्स अभी भी चल रहे हैं, अच्छी बात है। जब तक आपको नहीं दिख रहा आपका आंसर फिक्स होना चाहिए। आपको दिख नहीं रहा है कि सही है, हो सकता है आप फिर भी ट्रू लिख दिया आपने, नहीं आपके कॉपी पर आपके अटैम्प्ट से अगर ये बन रहा है तभी ट्रू बोलें, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, आइए चलिए अब मैं आपको इसे करके दिखाता हूं। ठीक है, अब यार ये होगा या नहीं होगा उसके लिए हम प्रयास करेंगे, और जो हमने सीखा है हम वही करेंगे, हम इधर उधर कुछ नहीं करने वाले, जो हमने सीखा वही करेंगे। आ जाओ सारे लोग, देखो ये इसे भैया हम वन लिखते हैं, हमारी आदत है जहां प्लस है उधर वन लिख देते हैं, और हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि अगर ये प्लस वन से हटकर टू पर चला जाए, अगर ये वन से हटकर टू पर चला जाए तो क्या ये पहले से ज्यादा स्टेबल होगा, तो आंसर है हाँ और आंसर है ना, दोनों आंसर है। क्यों? देखो अगर मिथाइल इधर से इधर गया तो आंसर है ना, बिकॉज ऑफ बेंट रूल, ब्रिज हेड पर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये प्लस मिथाइल के माइग्रेशन से तो कुछ नहीं हो सकता। आइए अब देखिए मेरे भाई, वैसे भी टू पर ये एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, और जब सारे एल्काइल ग्रुप होते हैं तो जो सबसे बड़ा वाला ग्रुप होता है वो माइग्रेट करता है, जब सारे एल्काइल ग्रुप होते हैं तो जो सबसे बड़ा वाला होता है वो माइग्रेट करता है, और मेरे भाई इस तीनों में ये सबसे बड़ा वाला है। ये देख लो, पीछे वाले परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें कौन चैलेंज कर रहा है, अरे भाई यहाँ एल्काइल ग्रुप की बात हो रही है, इसमें एक कार्बन, ये देखें मिथाइल, इधर एक कार्बन का ब्रिज, ये दो कार्बन का ब्रिज, ये सबसे बड़ा वाला है, तो ये जो है ये टू से उठेगा वन पर जाएगा। आइए आइए देखते हैं, ये टू से उठेगा और वन पर जाएगा, इस चीज को समझते हैं।
ये देखिए पूरा स्केलेटन वैसा बना लो, देख लो भाई, ये देखो जो जो उठाना है, ये देखो ये ब्लू वाला उठाना है, अपन ने बनाया ही नहीं, वन पे लगाना है, लगा दो वन पर, ये सीधा इस कार्बन से वन जुड़ गया और ये आ गया प्लस चार्ज, ये आ गया प्लस चार्ज। अब आप कहोगे ये क्या आणा तिरछा बन गया, अरे ये आणा तिरछा नहीं है, ये सेम है दोनों, बहुत सेम। अब आपको ये सेम नहीं दिख रहे होंगे, आपको ये सेम नहीं दिख रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूं ये सेम कैसे। देखिए सारे लोग देखिए, ये कार्बन, इसे मैंने वन बोला, ये कार्बन देखो सेम कार्बन है, सेम है ये वन, अरे पॉजिटिव चार्ज वाले को मैंने टू बोला, ये पॉजिटिव चार्ज वाला टू हो गया या नहीं हो गया, टू। चलिए इसके बाजू वाला थ्री, ये लीजिए बाजू वाला थ्री, ये देखो फिर ब्रिज हेड आ गया, ये फिर ब्रिज हेड आ गया फोर, ये देखिए फोर, देखते रहिएगा मजा आएगा। फोर के बाजू में ये है फाइव, ये है फाइव, उसके बाजू में सिक्स जो वन से जुड़ा है, ये सिक्स जो वन से जुड़ा है, अरे देखो फोर और वन के बीच में एक खाली है, फोर और वन के बीच में एक खाली है, चलो नंबर सेवन कर दें। कितने लोगों को ये समझ में आया है, यस लिखें अगर समझ में आ गया, कितने लोगों की भैया ये सेम है। साकेत जोशी कह रहे मजा आ गया सर, वेरी गुड, आपने सीख लिया और आपको मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है, गुड, जिनका सही था वेल डन, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक बार अगर हल्का फुल्का डाउट है तो आप बस उसी सीक्वेंस को फॉलो करें जैसे मैंने बताया, उसी तरीके से देखना है, कुछ नया नहीं करना है, अपने आप हो जाएगा आपसे। बहुत अच्छे। मुकेश कुमार एक बार फिर से देख लें, वन से टू, गुड, वन से टू, टू से ये वाली बॉन्ड उठानी है, ये वाली बॉन्ड उठानी है, तो इसे उठाते समय मतलब इसे हटा दो, यही तो करते हैं, टू से तो हटाना है, वन से जोड़ दो, वन से जोड़ोगे ये बन जाएगा, और ये सेम है। अब देखें एक बार ध्यान से देखें, मन की आंखों से देखें, इसे प्यार से निहारें, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये बॉन्ड उठ के यहां जाएगी तो ऐसा होगा और ये और दोनों सेम है, ठीक है। देखते रहिए, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा देर देखने के बाद समझ में आता है, ठीक है। ओके सो ऑलमोस्ट हम रीअरेंजमेंट जो है वो खत्म कर पाए हैं, सेम प्रोसीजर है, शुरुआत से अभी तक चल रहा है। सरप्राइज अगर आपका सही था तो आप एक चॉकलेट जीतते हैं, ठीक है, चॉकलेट क्वेश्चन था, चॉकलेटी क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ग्रुप पर मैं आज कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्टेड डालूंगा जो होमवर्क होंगे आपके, सीट जो वेबसाइट पर है उसके कुछ सेलेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन डालूंगा, इंग योंग मैं देखता हूँ आपके अकाउंट के लिए। फिलहाल मैं कह रहा हूँ आपके डाउट ग्रुप पर मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन डालूंगा जो सीट के होंगे, जो होमवर्क होंगे। सानिया सिंह की दो चॉकलेट हो गई, वेरी गुड, बिल्कुल हाँ, कौन सी क्या सब पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।